Happy birthday to you. ये मैं हूँ और ये मेरी फैमिली है और यहाँ पे क्या हो रही है, पार्टी हो रही है। आज मम्मा का बर्थडे, आपने मुझे विश नहीं किया ना, आपने मुझे हैप्पी बर्थडे नहीं बोला। कितना सो रहे भगवान ये सब। लल्ला ए लल्ला उठो, चलो नहा लो, चलो 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 उठो 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 उठो। आयुष आयुष उठो बेटा, नहा लो, उठो 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 उठो, नहा लो, चलो चलो चलो। पराठा बना दूँ, खाएगा? कौन सा? सादा पराठा, एक खा लो, एक 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 खा लो, फिर दवाइयाँ लेनी है ना। हाँ तुम इधर आ जाओ आयुष, तुम इधर आ जाओ, आ जाओ। अरे देख कैसे डुगू नीचे सोया है, जा मैं तेरे फ्रेंड्स लोग को भेज दूंगी मैं। फिर उठ जा, जल्दी उठ जा, ब्रश करने के लिए उठ जा, उठ जा ब्रश करने के लिए। पानी डालती हूँ, रुक जा। आंटी मैं मीठा तेज करके दियो इसको, ना दावा डाल के ना। अच्छा हां, तो मुझे पहले पीती थी, बड़े संसा दिया पी रहा है पानी को। फिर पानी डालती तेरे ऊपर, रुक जा, देख डालती हूँ ना पानी को। पानी को पी रहा है पागल, ये देखो। सुबह इतनी जल्दी भी रहती है और बच्चे उड़ते नहीं है। डुगू तो सबसे ज़्यादा तंग करता है, उनको ब्रश कराना बड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पे मम्मी के लिए मैंने और एक आंटी और आ गई थी, उनके लिए पराठा चाय निकाल दिया फटाफट, मैंने उनको नाश्ता दे देती हूँ। उसके बाद आयुष को उठाती हूँ, ब्रश कराती हूँ, क्योंकि लेट भी हो रहा था बहुत ज़्यादा और वो उड़ भी नहीं रहा था। बस कभी नीचे लेट रहा है, कभी बिस्तर पे लेट रहा है, ऐसे ही करता है। तो ये एक आंटी आ गई थी, वो होती है ना झाड़ू लगाती हैं जो बाहर, तो उनको बुला लिया था मम्मी ने, तो उनको भी चाय और पराठा दे दिया था मैंने खाने के लिए। उसके बाद आयुष के पापा का लंच भी रेडी कर लिया था मैंने। लंच मैंने आज बनाया था राजमा और सेवैयाँ और चपाती बना दिया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाएं। फिर सुबह ही हैवी सा बना दिया था, क्योंकि शाम को फिर केक वेक और भी चीज़ें हो जाती है ना, तो फिर हैवी खाया नहीं जाता कुछ भी, तो इसलिए मैंने राजमा बना दिया था इस टाइम। और पनीर अभी फ़िलहाल मैंने कल ही बनाई थी। उसके बाद किचन का सारा काम समेट उमेट के सब कुछ फिनिश करके फिर मैं आ गई थी यहाँ पे नारियल पानी लेने जा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को काफ़ी दिन से फीवर है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको एक नारियल पानी डेली देती हूँ। तो वही यहाँ पे देखिए मार्केट लगती है सुबह सुबह यहाँ पे सब्जियों की, तो इसलिए मैं फिर आ गई थी नारियल पानी लेने के लिए। पानी वाला देना, मीठा हो। अच्छा भैया थोड़ा ज़्यादा काटो, ताकि इसमें ना मलाई बहुत होती है, मलाई निकाल नहीं पाती घर में मैं। ऐसा काटो कि मलाई निकाल सकूं। ये मलाई है। बारिश आने वाली है बहुत तेज, फटाफट निकल लूं नहीं तो बारिश आ जाएगी। बारिश आ गई बहुत तेज, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे घर जाऊं, भागो भागो जल्दी जल्दी भागो। बारिश बहुत तेज आ गई है, मैं जल्दी जल्दी घर के लिए निकल रही हूं, पर मेरा मोबाइल भीग जाएगा इसलिए मैं ऑफ कर रही हूं। पानी लेके आ गई हूं, देखिए बच्चे, देखिए मैं नल पानी लेने चली गई थी, छत पे बारिश बहुत तेज आ गई थी, ये लोग देखो छत से सारे कपड़े उठा लाए। अब बारिश थोड़ा थोड़ा बंद भी हो गया, सुबह ही छत पे कपड़े डल गए थे सारे, बारिश आ गई। बारिश के टाइम पे यही होता है, कपड़े कैसे सुखाएं कुछ समझ में नहीं आता। क्यों उतार लाए कपड़े बेटा सारे छत से आप? कहाँ बारिश आ रही है, बारिश बंद हो गई अब तो। हाँ तो अब कहाँ लेके जा रहे हो? हाँ कहाँ ले जा रहे हो, कमरे में डालोगे? अभी नहीं डालो, बाद में, अभी धूप निकल जाएगी फिर छत पे चलेंगे डालने, ठीक है? तो अभी सारा काम वाम करके फ्री होके आ गई हूँ मैं। अब आयुष का आज पेपर है, तो अभी थोड़ी देर पढ़ाऊँगी, एक घंटा रिवाइज कराऊँगी इसका। 2 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाता है, 2-3 दिन से पेपर चल रहा है इसका, तो अभी 3-4 दिन और है, फिर पढ़ने के बाद देखते हैं शाम को क्या क्या होता है आज। वैसे बच्चों की तबीयत ख़राब है तो मुश्किल है, कुछ होगा थोड़ा, बट फिर भी थोड़ा बहुत। डुगू सुबह ही कह रहा था, मम्मा आज पढ़ना है क्या, आज पढ़ना है आपको?
आज तो मम्मा बर्थडे है ना, मेरे को सुबह ही कह रहा था मम्मा आज पढ़ाई करनी है, मैंने कहा हाँ पढ़ना है क्यों नहीं पढ़ना है, तो कह रहा था मम्मा आज तो आपका बर्थडे है ना तो आज पढ़ाई नहीं करनी है, तो मैंने कहा नहीं क्यों नहीं पढ़ना है, तो अभी लेके आई हूँ थोड़ी देर पढ़ाने के लिए, फिर फ्रेंड्स आपसे मिलती हूँ बाद में पढ़ने के बाद। एक्चुअली मैं बहुत दूर से नाले पानी लेने गई थी ना, तो भाग भाग के मैं आ रही थी ना, इसलिए मैं सांस मेरी चल रही है क्योंकि बारिश आ गई, तो मैं दौड़ के भाग के आई हूँ नहीं तो भीग जाती मैं, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर पढ़ाने के बाद। उसके बाद बस पढ़ाने के बाद सुबह से मैंने मोबाइल नहीं लिया था, बस सुबह से एक दो फ़ोन आया था, मम्मी का फ़ोन आया था, मेरे सिस्टर इन लॉ का था, सिस्टर का था, बस फ़ोन आया था बात कर लिया था, बट व्हाट्सएप नहीं चालू किया था, बट मैंने अभी अभी मोबाइल छुआ है तो मोबाइल में देखिए कितने सारे मैसेजेस आ रखे हैं और मुझे इन सब का रिप्लाई देना है, मैं बाद में रिप्लाई देती हूँ। स्मार्टफोन आने का क्या है, एक फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है कि लोगों को टाइम का बचत होता है, बहुत सारे बेनिफिट हैं स्मार्टफोन से, बस घाटा क्या है कि पहले क्या होता था ना, स्मार्टफोन नहीं होता था तो किसी का बर्थडे हुआ या एनिवर्सरी हुआ तो लोग फ़ोन करके विश करते थे कि आज उनकी बर्थडे एनिवर्सरी है, अब स्मार्टफोन हो गया है ना तो लोग क्या करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे बस मैसेज डाल दिया जी हैप्पी बर्थडे, बात ख़त्म। मतलब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई किसी से थोड़ा सा बात भी कर ले कि हाँ अच्छा बर्थडे है तो विश कर दिया जाए, या कोई है जो बहुत खास होगा वही कर देगा, अदरवाइज मोस्टली लोग क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या चैट पे विशेस डाल देंगे। तो ये देखिए सबने स्टेटस पे लगा रखा है मेरी फ़ोटोज़ काफ़ी लोगों ने, तो मैं अभी अभी तो फ़िलहाल 1 बज गया है, लंच करने का टाइम है तो मैं बाद में सबका रिप्लाई करूँगी, तो बहुत सारे मैसेजेस आ रखे हैं इसमें। आ गया डुग्गू सबसे पहले भाग के गया केक लेने के लिए, कब से परेशान हो रहा है बेचारा, मम्मा अभी तक केक आया क्यों नहीं, हो केक आ गया, क्या आया क्या आया बेटा, केक आ गया तो यहाँ पे हमने सारी चीजें भोग लगा दी है, केक है और क्या है, पेटीज है, फंटा और चिप्स कहाँ गया, और हाँ बोल नहीं थोड़े से नहीं खाओ, अभी अभी भगवान जी को भूख लग रहा है उठा रहे, अरे भगवान जी भूख लग रहा है अभी उठा रहे, रुको तुम खाए जा रहे हो यार, चलो आओ निकाले, चलो पहले बता दे हटो 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 हंसते जी, कौन बांटेगा, बाबू बांटेगा, इसको हटा इसको हटा इसको हटा, आयुष मत वैसे तुम सुबह सुबह कर टप्पू के पापा ने अभी तो मुझे गगुरा बोल गगुरा, मेरी माँ मुझे गगुरा बुलाती थी चलो काटो, हरे राम फूको फूको मुझे ये वाला भी, हैप्पी बर्थडे टू यू, कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, कृष्णा कृष्णा हरे हरे टू यू, हरे रामा टू यू, हरे रामा टू यू, खड़े बोलो, लेकिन मैं तो जवान हूँ, मुझे तो अम्मा को खिलाओ, रखना पड़ता है, अम्मा को तो खिलाया नहीं अपने, खिलाओ खिलाओ, थैंक यू, पुलिस स्टेशन बना बना, पुलिस स्टेशन हम लोग क्यों जाते हैं, ये सारा देख लेना बाद में, मंदिर में हम लोग सब फरियाद करने जाते हैं ना, गोपाल को मंदिर मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब फरियाद ही जाते हैं ना, नहीं अच्छा है उधर लेना है, ऐसे ही गरम गरम बच्चों को भी देना, हाँ हाँ गरम क्यों, क्या लेना है कुर्ती, चलो देखो लो
तुमने केक नहीं लिया? लो बस अपने बालों से सजूं। आज ये शाइन कैसा है केक? आयो से स्पून देना। कोल्ड ड्रिंक क्यों निकाला आपने? कैसा है, कैसा है? अच्छा। यम्मी केक दिख रहा है, ये लो। इस तरह कोई भी कलर ब्रश चुनने खाओ। स्पून देना आयुष। अरे हैंड से नहीं, स्पून से खाओ, स्पून से। ये पापा हैं, ये मम्मी हैं, ये कौन है? ये मेरे पति देव जी हैं, और ये डुग्गू है, और ये आयुष है। अच्छा है, खा लो। तो हम सब बस सारा छोटा सा सेलिब्रेशन हो चुका था, तो सारा डिनर विनर करके सब कुछ आ चुके हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मुझे किसने किसने क्या क्या दिया। ये सूट है ना, ये मम्मी ने दिया था। मम्मी ने बस पहले ही दिला दिया था मेरे को, संडे को दिला दिया था, बोली थी फिटिंग विटिंग कर ले अपने बर्थडे पे पहनना। तो ये पीच कलर का सूट है, बहुत ही कम्फर्टेबल और बहुत ही प्यारा सूट है। ये लखनऊ कढ़ाई होती है ना, उसका वाला सूट है ये, ऐसा वाला। बैक से देखिए, ये है पूरा प्रिंट है ऐसे, और ये आगे से, बहुत ही सुंदर और बहुत ही कंफर्टेबल सूट है ये। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग को सूट कैसा लगा। और पापा जी ने ये पैसे दिए हैं, और पति देव जी ने भी ये पैसे दिए हैं, उन्होंने बोला कुछ ले लेना कुर्ती वुर्ती। तो मैं देखूंगी बाद में, जब भी टाइम मिलेगा मैं जाके इन दोनों का अपने लिए कुछ लेके आऊंगी। और आई होप आप लोग को ये छोटा सा सेलिब्रेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, गुड नाइट।